Welcome back to my channel. This is Samisha Rakke. Oh no, not this because I am Pooja. Pooja बिचारी साफ कर रही थी और इसमें उसका हाथ चला गया तो इतना गुस्सा कर रही है वो उस पर क्या काय शिवा खा लेते साइको करेगा बोलते पनमती है निकाल दो कहाँ से लाया पता नहीं ये मैं बता नहीं सकती बट जड़ तो है हाथ अब क्या ही कर सकते हैं पूर्ण दिवस घाण नहीं जाणार दुलका two and a half hours late Dubai chalo na main but I think it's all going to be worth it because we are for Rohit Virat team aur india hume, we are here for team india yeah we are here for team india aur hame bas dekhna hai ki nakli fans finally padyatra ke liye 15 20 minute chi aur aata hame pochle stadium kaisa vaatte hai pune to stadium kaisa hai honest reviews kedarnath la pochlo bhai thoda bas kedarnath la pochlo bhai mujhe laga thoda sorted hoga but ye bahut कॉम्प्लिकेटेड डोंट गिव अ फक अबाउट कि तुम लोग वीआईपी हो वीआईपी हो क्या है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह पे पार्किंग ही नहीं था फिर एक्सप्रेसवे के बाजू में ना तो पता नहीं चलता कहाँ से राइट कहाँ से मतलब हम लोग ने तो लोगों को झगड़ते हुए देखा वहाँ पे हमें रॉन्ग वे से घुसने दो बिकॉज यू हैव टू ट्रैवल फॉर लाइक 45 मिनट्स टेक अ यू टर्न एंड देन कम बैक हियर और वो भी आते वक्त ट्रैफिक इतना होता है बट वजन कमी केलं आदित्य तुला माहिती आहे मी तुला नेहमी सांगते मी जिमला जाईन आज मैंने कसर पूरी कर दी चलो लेट्स गो वी आर ऑलमोस्ट देयर कळतंय का तुला पण की मीच वेडी आहे आणि मला गोष्टी कळत नाही आणि मी बावळट आहे बात तो सही आहे मेरा ना एक्चुअली वो खराब हो गया है क्या बोलते हैं बैगन तो मेरा ना एक्चुअली वो खराब हो गया है शू रैक
मतलब वो ख़राब हो गया है. एंड देन देयर इज चेस्ट ड्रॉवर एज वेल. आई गेस एक साल हो गया उसको. नाउ इट्स टाइम टू रीडू द स्टफ. सो मैं आइकिया आई हूँ. बस एक एस्टिमेट निकाल लें कि मेरा खर्चा कितना होने वाला है ताकि मुझे पता चले, बिकॉज बहुत महंगी चीज़ है. आई नो आइकिया इज लाइक ओवर प्राइज, बट इतना नहीं लगा था मुझे. आई हैड बॉट लाइक अ चेस्ट ड्रॉवर बैक देन, बट नाउ आई एम नॉट फीलिंग लाइक दिस इज़ द वन. मतलब बताती हूँ, इट दिस वन एंड इट्स क्वाइट सस्ता एज वेल. लाइक 8,000 इज़ फाइन. एंड यू गेट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेल्व्स. ओके, और ये डाल दोगे तो लाइफ तुम्हारी और शॉर्ट हो जाएगी. 1, 2, 3, 4, 5 रहेंगे. मतलब 5 पैर इधर, 5 पैर इधर, 5, 10, 15, 20, 25 शूज़ रह सकते हैं मेरे. तो या आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस, बट पल्सा नहीं है गाइज. दस ले रही हूँ अभी के लिए, बाकी के बाद में लूँगी. पहले देखूँगी कि एक चीज़ काम करती है या नहीं, और करती है तो खत्म करती है. मैं एक्चुअली कन्फ्यूज बैड जो समीक्षा थिंग्स कर. मैं एक्चुअली कन्फ्यूज थी कर्टन्स में कि कौन से लेने चाहिए. तो मैं बताती हूँ मैंने कौन से लिए. एज यू नो मेरा कर्टन है बेज कलर का, और ये वाला है मतलब जो शोर है वो वाइट कलर का है, जो हो चुका है ब्राउन. आई नो उसको धोने की टाइम आ गया है अभी. मतलब ऑब्वियसली मैं हर महीने धोती हूँ, बट यार वो बहुत गील गंदे हो जाते हैं. एंड आई थिंक आई डोंट हैव एनी मोर शर्स, उसको सुनने में टाइम लगता है. सो आई बॉट लाइक दिस शर. ओके, आई बॉट दिस शर, और नाउ दिस टाइम आई वेंट फॉर लाइक सुपर ब्राइट. सो आई सिलेक्टेड दिस वन. थोड़ा पूरा बंद हो जाता है तो अच्छा लगता है. सो आई चूज दैट वन. सो या दैट्स द अपडेट एज ऑफ नाउ. बट आई रियली वॉन्ट द शू रैक वाला थिंग यार, बट बहुत महंगा है. तो मैं बस एक एस्टिमेट निकाल रही हूँ. मुझे चेस्ट ओवर भी लेना है तो उसका भी एक एस्टिमेट निकाल रही हूँ. महंगी महंगी चीज़ें. आई फाउंड लाइक द बेस्ट फर्नीचर, बट आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ वार्डरोब. बट बस भाई इसको देख के मुझे वार्डरोब चाहिए. इसको देख के मुझे वार्डरोब चाहिए. क्या परफेक्ट वार्डरोब है देखो. सो फकिंग परफेक्ट. आई रियली नीड दिस इन माय लाइफ मैन. आई फकिंग नीड दिस इन माय लाइफ. दिस इज सो गुड. 33,000 फर्नीचर. व्हाट आई थिंक इज आई एम गोइंग टू नवी मुंबई और वहाँ से खरीदूंगी, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है ऐसे मुझे उन्होंने बोला. तो मैं क्या बोल रही थी, अरे फर्नीचर मुझे जनवरी तक मेरा वाला खाली करना है, जब ख़त्म करना है. आई वॉन्ट टू रीडू इट, बिकॉज मुझे वो सेम फर्नीचर कब भी देखने की इच्छा नहीं हो. एस्टिमेशन निकाला है मैंने 50,000 के अंदर ही सारा फर्नीचर आ जाएगा. सो वील डू दैट. ओके गाइस, सो ये बोलने से पहले आई हैव अ इवेंट ऑफ वीवो एंड वी आर गोइंग टुडे जस्ट आफ्टर द मम्मा का शूट. एंड आई एम सुपर नर्वस बिकॉज दे वांट मी टू टॉक टू द क्राउड एंड आई एम वेरी बैड एट इट. लाइक मैं कुछ भी गंदा फॉर्मल दे देती हूँ तो is
आपको कैसा लगा वीवो V29 Pro? वीवो के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे और आपको देना है जवाब और जो भी टैग वीवो आल्सो व्हेन यू आर क्लिकिंग पिक्चर्स विद हर. ओके, कैन बी टू आंसर. वी गिव. आई हैव समथिंग फॉर छुटकू व्हिच इन माय बैग. मी डू आई जस्ट ब्रेक इन अ कॉलर. मैम विल गिव. मेक अ माइकर टॉयलेट. चिप्स मांग रहा है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मैंने जब इसको माइक दिया था तब ये नहीं बोल पाया. आपने माइक दिया तो ये तुरंत बोलने लग गया. मैं इतनी भी सोशली ऑकवर्ड नहीं हूँ. मुझे लगा कि मैं हो सकती हूँ कुछ, जैसे कि मयूर ने डॉक्यूमेंट्री मेरे रिकॉर्ड की. गिव मी योर फीडबैक प्लीज. नमस्ते. कसा काय फोटो भी. एब्सोल्युटली लव जब ऐसी कब चीजें होती है गाइस, यू नो व्हाट हैपेंड. सो आई एम इन H&M राइट नाउ एंड मैंने शॉपिंग की, तगड़ी शॉपिंग की. मतलब 9-10 हज़ार रुपये हो गए. पलसा नहीं है गाइज. और मैं खुद को कोस रही थी, ठीक है, अंदर ही अंदर मैं खुद को कोस रही हूँ कि समीक्षा इतनी शॉपिंग कैसे कर सकती है, तो इतनी बुद्धि, इतने पैसे कैसे बर्बाद कर सकती है, ये वो ये वो. फिर मैं काउंटर पे गई. मैं काउंटर पे गई एंड देन ही वाज लाइक, आप रोज़ ऐसे मतलब आते हो ना H&M में? हो. मैंने बोला हाँ. तो ही शोड मी ऑल दोज कूपन्स जो मैंने यूज़ नहीं किए हैं. Because I was a member in H&M, he showed all the coupons. And guys, मेरा total था 9999994 and I just paid. You see here, मेरी total थी 9999994. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 coupons use करके मेरी प्राइस है 4844. मतलब मैंने समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रही हूँ. 5400 रुपये बचाए मैंने. कैन यू फकिंग इमेजिन? लाइक ये ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है पहले. अरे मतलब कूपन जाहिर है. अरे यार मैं गलत पार्किंग के आ गई. हाँ, कूपन जाहिर है. एंड आई वाज लाइक ओह माय फकिंग गॉड, इतना प्यारे चीज़ें हो रही थी मेरे साथ. H&M rocks guys, H&M rocks. Amazing.